108 और 102 में ALS के रूप में काम कर रहे कर्मियों ने मंगलवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दिए गया ज्ञापन में कर्मियों ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच जीवीके कंपनी की ओर से 16 अक्टूबर को सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। एम्बुलेंस कर्मियों ने अपील की है कि अगर कंपनी साथ छोड़ देती है तो सभी एम्बुलेंस कर्मियों को नौकरी दिलाई जाए। इस दौरान धर्मेंद्र यादव, भूषण सिंह, राजकुमार पुल्ली, पवन दुबे, धर्मेंद्र यादव, ध्रुवचंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी, राहुल राज, शिवेंद्र कुमार सहित अन्य एम्बुलेंस कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्बुलेंस कर्मी कमलेश कुमार ने कहा, कमलेश कुमार कर्मचारी हैं जिसको जीवके MRI ने संचालित कर दिए पूरे उत्तर प्रदेश में, और सरकार और जीवके MRI दोनों लोगों के समझौते के द्वारा ये एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS एम्बुलेंस सेवा संचालित होती है, जिसमें एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है, एक पायलट पद होता है। हम दोनों EMT एंड पायलट को जीवके MRI ने बिना किसी सूचना के हम लोगों को सेवा समाप्ति का लेटर जारी किया है, जिसके संबंध में हम लोग जिला अधिकारी व CMO और नगर मजिस्ट्रेट साहब को हम अवगत कराना चाहते हैं इस लेटर के माध्यम से कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, हमको अस्थायी रूप से फिर दोबारा नौकरी पर वापस नहीं भेजा जाता है, तो मैं अनिश्चित समय के लिए इसे संचालन बंद कर देंगे और अनिश्चित समय के लिए हम लोग अपने कार्य बहिष्कार कर देंगे।